दोस्तों नमस्कार भाई, जय हिंद। प्रारंभ करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जाम नज़दीक है, और एग्जाम नज़दीक है तो उसी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्लस मीन क्वेश्चन को देखिए और ढंग से क्वेश्चन को याद कर लीजिए, अगर नहीं आ रहे तो ठीक है, हेल्प कर रहे हैं आपकी। और कुछ एक स्टूडेंट, कुछ एक साथी बोल रहे हैं सर मेरा तन, हाँ कोशिश कर रहा हूँ भाई। अगर आप इतने बोल रहे हो ना, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ। समथिंग 26 इवनिंग को बढ़िया समथिंग 60+ क्वेश्चनों का मैराथन लेकर के आएंगे। टोटल चैप्टरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो श्योर है भाई, इसके आधार पे या इससे संबंधित या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आप तक मैं पहुँचाऊँगा। भाई उम्मीद है जितने भी पीछे क्वेश्चन दिए वो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवाए, ठीक है। और आगे भी इसी प्रकार से एग्जाम से पहले पहले जितने 5 क्वेश्चन दे, चाहे 10 क्वेश्चन दे, चाहे 15 दे देंगे, ऐसे जो एक बार आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा हट करके है। देखिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंद सर्किट के प्रकार है, बंद जो क्लोज सर्किट होता है ना, ब्रीदिंग अपरेट से श्वसन यंत्र के श्वसन उपकरण का भाग नहीं है। तो बताइए दोस्तों चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उनमें से भाग नहीं है। होगा चारों में से राइट बताना कौन सा होगा। देखो पहले मैं डायग्राम पे चलता हूँ। देखो एयर रिलीज वाल्व है वो आपको जो क्लोज सर्किट ब्रीदिंग अपरेटस है उसमें मिलेगा, कूलर जो होता है वो भी आपको मिलेगा, नोज क्लिप होती है वो भी आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन को दोबारा समझो। कुछ एक क्वेश्चन में पजल होंगे, क्यों होंगे, पूछा इसमें ये है कि इन चारों में से एक वो भाग बताना है जो इनमें से नहीं है। तो दोस्तों ए भी है, बी भी है, सी, ये तीनों क्या होते हैं, इसका मतलब नन ऑफ दीज। डी आपका राइट होगा, डी क्यों होगा, यानी उनमें से चारों है ऊपर वाले, ऊपर में से कोई नहीं, यानी ऊपर में से ऐसा कोई वो ए बी सी डी नहीं है जो इस क्वेश्चन से मैच करे, इसका मतलब राइट आपका क्या होगा, डी। ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अभी एग्जामों में आने लग गए हैं। थोड़ा सा बता दूँ दोबारा, निम्न में से कौन सा बंद सर्किट प्रकार के श्वसन उपकरण का भाग नहीं है, बताना ये है कि कौन सा भाग नहीं। दोस्तों तीनों है, अब पूछा है चार, यानी ऊपर वालों में से तीनों तो है पर ऊपर वालों में से नहीं है, यानी ये अपना जो क्वेश्चन है वो जो भाग बता रहे हो ना ऊपर वालों में से नहीं है, तीनों तो है पर ऊपर वालों में से नहीं है, तो आपका डी क्या होगा, राइट होगा। समझ में आया ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा घबराना मत, पजल मत हो जाना। देखो बता देता हूँ, ये आपका कूलर रहा, ठीक है, ये आपका नोज क्लिप रहा, ठीक है, ये आपका एयर रिलीज वाल्व रहा, यानी तीनों भाग आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये क्लोज्ड सर्किट ब्रीदिंग अपरेट्स का क्या है, डायग्राम है, कंप्लीट है ना, ठीक है। चलिए निम्न में से ऐसा कौन सा पंप होता है जिसका पिस्टन फिर्म न होकर होलो होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, क्या वो बलयुक्त पंप होता है, उद्वाहक पंप होता है, निष्कासक पंप होता है, या सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। दोस्तों बताइए कौन सा होता है, उद्वाहक, चारों में से बताइए कौन सा होगा, चारों में से जल्दी से बताइए कौन सा होगा, इसमें से आपका होगा उद्वाहक पंप, कौन सा होगा, उद्वाहक पंप आपका राइट होगा। निम्न में से ऐसा कौन सा पंप होता है जिसका पिस्टन फर्म न, यानी खोखला, होलो का मतलब होता है खोखला, अब बताइए कौन से का खोखला होता है, बी आपका क्या होगा, राइट। ये आपके पास में डायग्राम है जिसको अपने जो हैंडपंप होते हैं ना उसमें जो पिस्टन, देखो ये पिस्टन होता है, ये पिस्टन है मजबूत या हार्ड ने, अगर क्या होता है खोखला होता है, क्या होता है खोखला, ठीक है ना, ये प्लंजर होता है, ये हैंडल लगा हुआ है ताकि अप डाउन करेंगे तब ये क्या करेगा, इनमें से सक्शन, इससे इसमें उपस्थित हवा को बाहर निकाल करके पानी को पंप के आउटलेट से बाहर निकालेगा। समझ में आया ना। निम्न में से ऐसा कौन सा वाहन होता है जिसके जोड़ युक्त बूम को चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है तथा जिसकी सहायता से बचाव कार्य एवं अग्निशमन कार्य किया जा सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चार ऑप्शन है, चारों में से बताइए क्या वो विस्तार सीढ़ी होती है या टर्न टेबल लेडर होती है, स्नार्केल्स होता है या हुक लेडर। दोस्तों चारों में से राइट कौन सा होगा, जल्दी से अपना अच्छा सा क्वेश्चन दीजिए। स्नार्केल क्या सी होती है, स्नार्केल एक प्लेटफॉर्म होता है, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, बचाव कार्य और अग्निशमन कार्य में प्रयोग में ले सकते हैं, बचाव कार्य और अग्निशमन कार्य में प्रयोग में ले सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से आंतरिक वाहन को शाखा की प्रदायक होज लाइन से लगभग कितने मीटर दूरी पर जोड़ा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चार ऑप्शन है 25 से 30 मीटर, 2 से 8 मीटर, 9 से 18 मीटर, 28 से 36। बताइए कौन सा। निम्न में से आंतरिक सवाहन, आंतरिक सवाहन को शाखा की प्रदायक होज लाइन से लगभग, शाखा की जो प्रदायक डिलीवरी होज है उससे कितने लगभग मीटर दूरी पर जोड़ा जाता है, उसमें कितनी लगभग दूरी मीटर पर जोड़ा जाता है। तो बताइए 25 से 30 मीटर होता है, या 2 से 8 मीटर, या 9 से 18, या 18 से 36। दोस्तों राइट आपका क्या होगा, 9 से 18। सी आपका क्या होगा, राइट। ठीक है, चलिए ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पंप में पानी भरकर उसे चालू किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पंप, किसमें, पंप में पानी भरकर उसे क्या किया जाता है, चालू किया जाता है। बताइए कौन सा होता है, बताइए जल्दी से। चार ऑप्शन में से कौन सा होता है, चार ऑप्शन में से कौन सा, निष्कासन पंप, प्राइमिंग, या विस्थापन, या जलरोधक। ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो इस पे मैच कर रहा है, कौन सी प्रक्रिया है, प्रक्रिया ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पंप, जो अपना पंप होता है, पंप में पानी, उसमें पानी पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है, चालू किया जाता है, यानी पंप में पानी भरकर, यानी पंप में पानी उठाने के लिए उसमें क्या करेंगे, पानी भरकर उस व्यवस्था को चालू करेंगे। तो वो कौन सी होती है, प्राइमिंग सिस्टम होता है। क्या होती है दोस्तों, प्राइमिंग। बी आपका क्या होगा, राइट। प्राइमिंग की थोड़ी मैं क्या कर लेता हूँ, उस पर चर्चा करते हैं प्राइमिंग भी। ठीक है, देखो प्राइमिंग क्या होता है एक बार और बता देता हूँ। प्राइमिंग होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है, देखो एक आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको एक नंबर दे दिया, इसको दो नंबर दे दिया, और इसको तीन नंबर दे दिया। थोड़ा सा ध्यान से समझना, पंप का चैप्टर है, उसमें पंप के नेक्स्ट चैप्टर आता है प्राइमिंग। जब क्या होता है, पंप अपने चैम्बर तथा सक्शन में जो हवा है उसको ऑटोमेटिकली खुद बाहर नहीं निकाल पाता, इसलिए उस पंपों में क्या, प्राइमिंग सिस्टम ऐड किए जाते हैं। देखो पंपों की बात करें, पंप तीन प्रकार के डिवाइड किए गए हैं। एक तो होता है पॉजिटिव डिप्लेसमेंट पंप, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, और तीसरा होता है इजेक्टर पंप। तीन भागों में डिवाइड हुए। अब पॉजिटिव क्या होगा, सारे वो पंप आएंगे जिनमें प्राइमिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती। सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो पंप अपने सेंटर में फोकस करके पूरे पानी को इकट्ठा, यानी इसमें क्या होती है, प्राइमिंग की आवश्यकता होती है, ये अलग पंप है। ठीक है, अब जो आपको प्राइमिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है वो एक मैंने कलर कर दिया, किसमें होगी, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। किसमें होगी दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अब एक एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल पहला भाग ये। अब देखो इसमें पंप में ये जो इसमें चैम्बर लगा हुआ है, इम्पेलर लगा हुआ है। अब जो इस चैम्बर और इंपेलर की हवा को बाहर निकालने के लिए, प्लस में ये सक्शन है, सक्शन की हवा बाहर निकालने के लिए प्राइमिंग सिस्टम आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्राइमिंग की। अब इसमें देखो जैसे प्राइमिंग सिस्टम की, जैसे प्राइम करने का मतलब इसमें जो हवा है वो बाहर निकालेंगे, हवा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे इसमें से उपस्थित हवा को बाहर निकालेंगे तब क्या होगा, ये पंप इंपेलर क्या करेगा, पानी को उठा करके इस सक्शन में पानी को पहले क्या करेगा, चैम्बर में भरेगा और सक्शन पाइप में पानी को उठा लेगा। पानी उठाने के लिए दो प्रकार की व्यवस्था होती है, या तो आप डायरेक्ट हवा को निकाल सकते हो भी प्राइमिंग सिस्टम करोगे, या आप क्या कर सकते हो, पहले से इसमें क्या करेंगे, पानी, यानी इस जो चैम्बर बना हुआ है, जो आपका इंपेलर जिसमें इंपेलर लगा होता है उसमें पानी डालोगे, पानी से रिंग के माध्यम से वो क्या करेगा, इसमें उपस्थित हवा को और सक्शन में उपस्थित हवा को बाहर निकालेगा। बाहर निकालने के बाद पानी कैसे उठाएगा, ये क्या करेगा, वायुमंडलीय दाब क्या बढ़ेगा, यहाँ वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, जिसके कारण अपनी जो सक्शन पाइप है वो किसमें उपस्थित है, पानी में, और पानी में उपस्थित होने के कारण ये क्या करेगा, पानी उठा लेगा इंपेलर के द्वारा, जिससे ये राउंड इसको किसी भी इंजन के द्वारा शाफ्ट के माध्यम से इसको चलाएंगे तो ये क्या करेगा, आउटलेट से डिस्चार्ज में जो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये होती है प्राइमिंग सिस्टम। जो आपको पंप का उदाहरण दिख रहा है ये आपका कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का हमने क्या लिया है, उदाहरण लिए। ठीक है ना, कंप्लीट है। चलिए, ऐसी कौन सी ब्रांच होती है जिसके संचालक द्वारा पंप चालक को जल प्रदाय को प्रारंभ करने तथा बंद करने हेतु संकेत देना पड़े। ऑप्शन देखोगे तब तो ऐसा लगेगा कि सर ये तो पहले मैंने पढ़ा था, पर क्वेश्चन है ना ये आपका थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, क्या वो कंट्रोल्ड ब्रांच होती है, रिवॉल्विंग ब्रांच होती है, फॉर्म मेकिंग ब्रांच होती है, या नॉन कंट्रोल्ड ब्रांच होती है। दोस्तों राइट आपका कौन सा होगा, नॉन कंट्रोल ब्रांच, वो ब्रांच जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। पानी पंप से मिलेगा उसी, जैसे पीछे से अगर 7 kg प्रेशर से पानी मिल रहा है तो ब्रांच है उसकी नोजल से पानी जो निकलेगा वहाँ से अपन उस पानी के प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना बंद और चालू नहीं कर सकते, यानी ये नॉन कंट्रोल होती है ब्रांच। कौन सी होती है, नॉन कंट्रोल। ठीक है, फायर सर्विस में आपातकालीन वाहन का उपयोग निम्न में से कौन से विशेष प्रयोजनों हेतु किया जाता है, जीवन रक्षा हेतु, भवन के ध्वस्त हो जाने पर पशुओं की जीवन रक्षा में, और उपरोक्त भी। दोस्तों क्या आंसर होगा,
उपरोक्त से भी देखो तो अच्छा क्वेश्चन है। जीवन रक्षा, भवन के ध्वस्त हो जाने पर पशुओं की जीवन रक्षा में और उपरोक्त से भी दोस्तों क्या होगा, यानी तीनों चीज़ें दो तीनों भाई। देखो फायर सर्विस में आपातकालीन वाहन का उपयोग, जो वाहन की बात कर रहे हैं वो है गाड़ी, आपातकालीन जो टेंडर की बात कर रहे हैं उसमें देखो पूछा ये निम्न से कौन सी विशेष प्रयोजनों के लिए काम लिया जाता है, हेतु किया जाता है, तो जीवन रक्षा हेतु भी आपातकालीन जो वाहन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। भवन के ध्वस्त हो जाने पर साल्वेज कार्य है, जो भी भवन के ध्वस्त हो जाने पर व्यक्तियों को बचाना, रेस्क्यू कार्य करने के लिए उसमें औजार होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। पशुओं की जीवन रक्षा करने के लिए भी किया, इसका मतलब क्या होगा इसका उपरोक्त से भी, ठीक है। ऐसी इंडक्टर को या ऐसे इंडक्टर को क्या कहते हैं जिसकी कार्य प्रणाली आंतरिक लाइन वाहन की भांति ही होती है तथा फोम की मात्रा आवश्यकता अनुसार बढ़ाई एवं घटाई जा सकती है, बताइए। चारों ऑप्शनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नोट कर लीजिए दोस्तों, जो करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। अब जितने भी 99 एग्जाम जनवरी को होने वाला है उससे पहले पहले जितने क्वेश्चन देंगे वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट है। राउंड द पंप प्रोफेशनल इंडक्टर, इनलाइन इंडक्टर, मल्टीपल जेट इंडक्टर, नन ऑफ दीज, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक आपके सामने नहीं आया, बताइए। चार ऑप्शन में से राइट कौन सा होगा, चार ऑप्शन में से राइट जल्दी से बताइए। ए आपका दोस्तों राइट होगा, कौन सा होगा ए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी लिए, कौन सा होगा ए आपका राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इस चीज़ को। उस धातु के बने उपकरण को क्या कहते हैं जो होज पाइप के जोड़ के साथ संलग्न किया जाता है, क्या किया जाता है संलग्न, तो बताइए संलग्न होता है तो इनलाइन इंडक्टर, सक्शन रिंच, नोजल शाखा, या कौन सा होता है नोजल शाखा या शाखा, बताइए चारों से कौन सा होता है। क्वेश्चन बोले उस धातु के, किस धातु के, उस धातु के उपकरण को क्या कहते हैं जो होज, जो पाइप होती है, पाइप के जोड़ के साथ जो कपलिंग लगी होती है उसके साथ, जो कपलिंग लगी होती है जैसे कपलिंग यहाँ लगा दी उसके साथ, तो इसे क्या कहते हैं ब्रांच कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रांच भाई, अरे ब्रांच के आगे शाखा सॉरी नोजल होती है, तो ये भाग कौन सा हो गया ब्रांच, तो भाग में डी आपका क्या होगा राइट कंप्लीट है। अग्निशमन सेवा में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला कौन सा वाहन है, तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, पहले आपके सामने आ भी गया होगा। फोम वाहन, जल वाहन, फोम क्रेश वाहन और शुष्क रासायनिक पाउडर युक्त वाहन, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है जल वाहन, अग्निशमन कार्य में सबसे अधिक उपयोग में लेने वाला कौन सा है यंत्र है या उपयोग में लेने वाला वाहन है, तो दोस्तों आपका बी क्या होगा राइट, बी क्या होगा राइट। इस प्रकार के ये क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। और हाँ बता देता हूँ 26 इवनिंग को, शायद 26 इवनिंग को याद कर लेना और टाइमिंग आपको दे दी जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। समथिंग 50 प्लस या 60 प्लस क्वेश्चन मैराथन लेकर के आएंगे, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है, बहुत सारी बातें हैं जो अपन करेंगे 26 इवनिंग को। बाकी जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो एक और दोबारा बता देता हूँ, एक लैंग्वेज एक बात की PDF लॉन्च की है, PDF लॉन्च की है, SMG क्लासेस नोर के नाम पे आपको मिलेगी, समथिंग 17 से 19 PDF है, उसमें हर PDF में 100 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, प्राइस रखा गया है 100 ओनली फॉर इनकी, आपको PDF की जो की है वो मिलेगी आपको WhatsApp पे, बाकी टोटल डिटेल आपको ऐप में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर जिनको ख़रीदना है तो इस नंबर पे संपर्क कर ले, इस नंबर पे संपर्क कर ले, या SMG क्लासेस नोर का नाम से जो ऐप है वो डाउनलोड करके आप ले सकते हो, आपकी सहायता के लिए चीज़ आपको दी है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसे होश और जोश के साथ, अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे दोबारा, ठीक है, धन्यवाद।